भागलपुर पुलिस लाइन से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर CB-38 से एक महिला सिपाही नीतू कुमारी और उसके परिवार के 4 सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में सिपाही नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे और उसकी मां शामिल है। सभी का गला रेतकर हत्या की गई है, जबकि नीतू के पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के अवैध संबंधों पर शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। वहीं मामले को लेकर DIG विवेकानंद ने बताया कि सिपाही नीतू कुमारी और उसके पति के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जो कई बार सड़क तक भी पहुंच गया था। कल शाम में भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद यह घटना घटी है। वहीं घटना के बाद पुलिस लाइन के सभी दरवाजे सील कर दिए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मृतक परिवार बक्सर का रहने वाला है और नीतू कुमारी 2015 बैच की सिपाही थी, जिसने लव मैरिज शादी की थी। जिस पर कि नीतू कुमारी जो कांस्टेबल है RTI शाखा, तो उनके आवास में जो है 4 डेड बॉडी मिले हैं, जिनका कि गला रेता हुआ है और इसमें उनके 2 बच्चे हैं, एक मदर इन लॉ है उनकी और नीतू कुमारी का भी गला रेता हुआ है। उनके हस्बैंड जो हैं वह अनएम्प्लॉयड थे, उनका सब जो है हैंगिंग अवस्था में पाया गया है। घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और जिसके अवलोकन से पता चलता है कि नीतू कुमारी ने बच्चों और सास को मारा था। इसके बाद जो है हस्बैंड ने नीतू कुमारी की हत्या कर दी है और खुद भी सुसाइड कर लिया। उनके हस्बैंड का ये सुसाइड नोट है सर? ये हाँ, उनके हस्बैंड का सुसाइड। क्या नाम सर? वेपन क्या यूज़ किया गया है? वेपन जो है ईटा और चाकू यूज किया गया है, जो घटनास्थल पर है। निरीक्षण कर रहा है, सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। इनके परिजन भी सर सूचना दे रहे हैं? इनके परिजनों को सूचना दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है लव मैरिज किया था और इन 2015 की नीतू कुमारी जो है 2015 बैच की कांस्टेबल है। सर आपने कोई पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी इसके? पीछे कई दिन से दोनों में आपस में झंझट चल रहा था और जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है, तो दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस क्रम में इस तरह की दर्दनाक घटना होगी वो कल्पना से परे है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। पति की कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी सिपाही ने आज तक? नहीं, उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जो भी मामला था पति पत्नी के बीच ही था, लेकिन आसपास के लोगों का जो कॉन्स्टेबल्स वगैरह हैं उनके परिजन सभी से पूछताछ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अक्सर मारपीट या अक्सर लड़ाई हो रही थी, जो कई बार रोड पर भी दिखती थी। भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के मैदान में बिहार पुलिस के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए रिहर्सल किया। इस रिहर्सल परेड का निरीक्षण भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने किया। रिहर्सल में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जिले के पुलिस जवानों ने भी हिस्सा लिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस परेड का अंतिम अभ्यास था और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कुछ छोटी मोटी कमियों को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। आज मेरे एवं SSP साहब के द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, साथ ही हमारे सभी ग्रुप्स ने काफी अच्छी तैयारी की है, लेकिन जो और बेहतर सुधार हो सकता है उसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है और विश्वास है कि काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी और स्वतंत्रता दिवस की अच्छी तैयारी करेगी। स्कूलियों में जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको हम लोग ब्रीफ कर दिए हैं DSP लाइन साहब को, उनको अलग से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे और
ये आखिरी अभ्यास था और परसों स्वतंत्रता दिवस की परेड होगी और आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी परेड का मुजाहरा पेश करेंगे उसमें। भागलपुर में जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना के विरोध में मंगलवार को ओपीडी सेवा ठप कर दी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी विभाग को बंद कर डॉक्टरों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। वहीं डॉक्टर अमील ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस तरह कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी उसके बाद ऐसी घटना होना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरा मामला ये है कि अभी 4-5 दिन से पूरे ऑल ओवर इंडिया को ये मैटर बताया है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में स्थित है वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर थी ऑन ड्यूटी उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया है। फिर उसके बाद वहाँ उसको छोड़ा नहीं गया, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया और इस पूरे मामले को इस तरह से मतलब पॉलिटिकली अब क्या किया जा रहा है हम लोगों को नहीं समझ पा रहा। वहाँ ना प्रिंसिपल का कोई मतलब बयान है अच्छे से आ रहा है कि क्या हो रहा है और इस मैटर को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इस मैटर को जो भी फैक्ट है वो सबके सामने रखा जाए। जो भी फैक्ट है हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, जो भी इन्वॉल्व है इसमें किसी भी पॉलिटिकल जो एक्यूज है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। अभी इस पूरे जस्टिस को जो है मतलब डिले किया जा रहा है, कभी उसका नाम आ रहा है कभी उसका नाम आ रहा है, तो डिले होने से तो सारा चीज वो कॉम्प्रोमाइजेशन के तभी हमें लग रहा है कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं एज ए पूरे ऑल ओवर जो इंडिया के हम लोग पैन इंडिया हैं वो लोग चाह रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई के दे दिया जाए ताकि इस पूरे मामला को स्पष्ट मतलब साफ सुथरे तरीके से लोगों के समक्ष रखा जाए। आप लोग यहाँ अपना क्या मांग रखते हैं? हम लोग का उन लोग सपोर्ट में है। हम लोग यहाँ हम लोग जो बहुत सारे अभी तो 50% हमारे जो मेडिकल फैटेंटी में गर्ल्स लोग हैं। की सेफ्टी पे सरकार कब ध्यान देगी? अगर गर्ल्स बड़ी बात ही है, अगर पुलिस इंस्पेक्टर को आप थाने में जाके मार सकते हैं वो ऑन ड्यूटी गर्ल्स, या किसी लॉयर को आप कोर्ट में जाके मार सकते हैं लेकिन डॉक्टर को ऑन ड्यूटी अपने हॉस्पिटल में मारा जाता है, मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, सरकार कुछ नहीं, वो भी मर्डर ऐसे नॉर्मल मर्डर नहीं किया जा रहा, मतलब उस मर्डर को बयान करना ही शर्मिंदगी हो रही है हम लोग उसको बोलने में। आप अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर कुमार आदित्य है, मैं यहाँ पे भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों से अधिक पैसे वसूलने के मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस्माइलपुर कृष्णानंद आनंद ने सख्त कार्रवाई की है। दरअसल जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट, स्टेशन रोड और कृष्णगढ़ मोड़ के आसपास कांवर की दुकानों और होटलों की जांच की। जांच के दौरान एक कांवर दुकान पर कांवरियों से 200 रुपये के कांवर के लिए 700 रुपये वसूलने का मामला सामने आया। इस पर कृष्णानंद आनंद ने दुकानदार को कड़ी फटकार लगाते हुए कांवरियों को पैसा वापस करवाया, जिसके बाद मेला क्षेत्र के होटलों की भी सख्त जांच की गई, जहां घरेलू गैस का अवैध उपयोग और खराब खाना एवं मिठाई बेचे जाने के मामले सामने आए हैं। इस पर होटल मालिक को भी सख्त हिदायत दी गई और घरेलू गैस के इस्तेमाल पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। वहीं कांवरियों के खाने की गुणवत्ता के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत की। इसके अलावा मेला क्षेत्र में पॉलिथीन के उपयोग पर भी दुकानदारों को हिदायत दी गई। वहीं जांच के दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे और यहां पर साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। सभी को हिदायत दी गई है कि साफ सफाई रखें और हाइजीनिक खाना बोलबम को दें। कार्रवाई क्या की है सर? कार्रवाई भी FIR दर्ज करने का प्रोसेस में कर रहा हूँ किसी पे, और सारे सिलेंडर जो भी घरेलू सिलेंडर थे सबको बाहर किया गया है और जितने भी बासी खाना है सबको फेंका गया है। मूल से अधिक जो रेट में जो बेच रहा है उसको क्या निर्देश दिया जाएगा? सबको निर्देश दिया गया है कि जो रेट तालिका है उससे अधिक दाम पे जो बेचेगा उस पर FIR दर्ज हो जाएगा, उसका दुकान सील कर दिया जाएगा और कुछ कांवरियों का अधिक पैसा ले लिया गया था तो उसको रिटर्न किया गया है।